गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है केमिस्ट्री में, उसमें हाइब्रिडाइजेशन को कैसे किसी फॉर्मूले का किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे उसके ट्रिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, बट बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं एग्जाम में कि हम किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बताएं या इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि हर किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन आप याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बता रही हूँ जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली 2 मिनट में आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन के रूल आपको इससे पहले वीडियो एक मैंने बनाई थी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या रूल होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, बट आज मैं थोड़ी सी एक समरी बोलूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स होता है द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। When they are mixed together, the energy should be same and produce new hybrid orbital will be equivalent amount of energy and this is known as the hybridization. जब दो molecules आपस में mix होते हैं और new energy का new आपका एक hybrid orbital produce करते हैं, new orbital mix produce करते हैं, उसे हम कौन सा orbital कहते हैं? Hybrid orbital कहते हैं। और इस process को हम कौन सी process कहते हैं? Hybridization कहते हैं। तो हमने बोला था जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं तो न्यू प्रोड्यूस ऑर्बिटल हमारा क्या कहलाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं तो उनके लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ये भी बोला गया था। तो सेम होने का मतलब क्या है? कैसे देखिए, जैसे गैस ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो सकता है? एस पी हो सकता है। ऐसे अगर एक ऐसा ऑर्बिटल है और दो पी ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? आपका एस पी टू होगा। सेम वे अगर एक ऐसा ऑर्बिटल मिक्स होता है तीन पी ऑर्बिटल के साथ तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? एस पी थ्री होगा। ठीक है, बट इस समय जो एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब अगर वो 1s वाला है तो 1s वाला है तो उसके साथ 1p वाला ऑर्बिटल मिक्स होना चाहिए। लेकिन आपको पता है 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो दैट मीन 1s ऑर्बिटल नहीं होगा, ये 2s ऑर्बिटल से स्टार्ट होंगे। तो 1s2 2s2 2p6, तो ये 2s है तो ये भी क्या होगा? 2p होगा। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? 3s3p, क्योंकि p के तीन ही ऑर्बिटल होते हैं px py pz। p ऑर्बिटल कहाँ होता है? x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, तीन एक्सिस में अरेंज होता है। तो ये हो गया तीन ऑर्बिटल में। उसके बाद क्या होता है? आपका d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? आपका sp3d। इसके बाद एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल एज इट इज रहेंगे, उसके दो d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3d। उसके बाद हमारा एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल एज इट इज रहेंगे जैसे थे, और 3d ऑर्बिटल पर 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d3। ये 3d ऑर्बिटल नहीं है, 3d ऑर्बिटल है, यानी कि कहने का मतलब 3 से मतलब आपका 3d 3 और d ऑर्बिटल ये अगर और इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इनकी एनर्जी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम। सेम का मतलब है अगर ये 2s ऑर्बिटल वाला है तो ये 2p होना चाहिए, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन का रूल फंडा, जो आपको मैं पहले आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसकी छोटी सी समरी मैंने आज आपको एक्सप्लेन करी। बट आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हैं लाइक दैट, जैसे आपको आपके सामने सपोज जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हैं, आपका जैसे आपका रखा है CH4। ठीक है, आपके सामने CH4 रख रखा है, BeCl3 रख रखा है, ओके, और आप BeCl2 रख लेते हैं, BeCl2। ठीक है, BeCl3। ठीक, और आपका हो सकता है PCl5, SF6, IF7। कुछ जैसे आपका ये बोला बीएससी फर्स्ट ईयर में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको ये सब करने के लिए बॉक्सेस बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। चलो बॉक्सेस तो बात की बात है, लेकिन एक और चरण आपके सामने एक अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को एक्सप्लेन करने के हम क्या देखेंगे किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके लिए हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है देखिए, हमारे पास जो रूल है हम उसको रूल को बताते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का जो रूल है वो हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक, मेरे पास दो ट्रिक्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। फर्स्ट ट्रिक क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर प्लस लिगेंड मल्टीप्लाई बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड। ग्रुप नंबर जो भी आपका ग्रुप नंबर हुआ सेंटर मेटल का, में
नंबर ऑफ लिगेंड जितने भी होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन इन लिगेंड्स, लिगेंड के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे। अगर सम 2 से 8 के बीच में आता है, इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 2 to 8, देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। अगर इनका योग किसके बीच में आता है, 2 से 8 के बीच में आता है, तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 9 to 56, अगर इन सबका सम, इन सबका जो योग होता है 9 से 56 के बीच में आता है, तो हम उसको किससे डिवाइडेड करेंगे, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह से इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबव 56, अगर इन इलेक्ट्रॉन का योग 56 से ऊपर आता है, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 18। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये हमारी पहली ट्रिक थी, ये मैंने कहा था इसका ट्रिक नंबर ए, जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन याद कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे BCl3 को ले लेते थे, ठीक है। अब आपके सामने एग्जांपल आया BCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रही हूं, H=2, ठीक है। ग्रुप नंबर किसका, सेंटर मेटल का। सेंटर मेटल में क्या है, सेंटर पे जो होगा, केंद्र पे जो होगा। अब देखो BCl3 में, BCl3 का मतलब क्या होगा, B केंद्र पे होगा और 3 Cl क्या होंगे, किनारे होंगे। केंद्र में तो एक ही चीज हो सकती है, तो B क्या हो गया आपका, केंद्र पे हो गया, सेंटर पे हो गया, ठीक। तो सेंटर बोरोन, अब आपका बोरोन ना ग्रुप, बोरोन का ग्रुप नंबर कौन सा होगा, थर्ड। हमारा किसमें है आपका, थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। ग्रुप नंबर प्लस लिगेंड, लिगेंड का मतलब होता है केंद्र के सराउंडिंग में जितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, सराउंडिंग में रहते हैं। अब BCl3 का मतलब मैंने आपको बोला B, बीच में है 3 Cl, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl। तो आपका नंबर ऑफ लिगेंड, ये है आपका लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड, क्लोरीन, तीन लिगेंड है यानी कि 3 Cl है, और क्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, एटम नंबर कितना होता है, 17। तो कितना हो गया आपका, 2, 8 और 7, क्लोरीन का एटम नंबर कितना हो गया आपका, 2, 8 और 7, तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7, ठीक। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, हाइड्रोजन, ये एच हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट में एच लिख दिया, H=3। 3 का मतलब हुआ ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर हमारा बोरोन का ग्रुप नंबर कितना होगा, 3, प्लस लिगेंड, लिगेंड की संख्या जो यहाँ पर लिखी होगी कितनी है, लिगेंड की संख्या 3, मल्टीप्लाई बाय इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 17 होता है क्लोरीन का परमाणु संख्या, तो 2, 8 और 7 कितना हो गया, 7, 7 से 21 और 3, 24, ठीक है। तो इनका योग, इनका सम किसके बीच में आ रहा है, इन बिटवीन किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 956 के बीच में, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 8, तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 8 से, 8 3 24 कितना आ गया, 3। 3 का मतलब हो गया दैट इज द ट्रिक। अब आपके सामने 3 का मतलब हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी 3 मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो 3 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, 3। 3 का मतलब हो गया एक s। अब इसको ऐसे समझिए कि 3 का मतलब क्या हुआ, कैसे निकालोगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आप रफ में चले जाइए, एक ऐसा ऑर्बिटल, अब आपको पता है एक ऐसा ऑर्बिटल होता है, ये एक ऐसा ऑर्बिटल हो गया p, p कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, px, py और pz, और d ऑर्बिटल कितने भागों में होता है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भागों में बटा होता है, ठीक। तो अब आपके सामने है आपका 3, 3 का मतलब हो गया, 3 का मतलब हो गया कितना ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 3, 3 का मतलब हो गया एक s, 3 का मतलब हो गया एक s का हो गया, एक s का हो गया, P का, ये P का, तो कितने होगा, 1, 2, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया आपका, sp2, 2 और 1, 3, हाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, BCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक। हम कोई दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम निकालेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कोई आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में ये पर्टिकुलर कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप किस आधार पर मॉलिक्यूल का बहुत शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, PCl5 ले लेते हैं, चलिए हम PCl5 ले लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं PCl5। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हो गया F, ठीक है, फास्फोरस, ये हो गया सेंटर मेटल, P सेंटर में हो गया, P कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर हो गया 5th ग्रुप को, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, 5th ग्रुप को, प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 5, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए, 5, मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन, क्लोरीन के अभी बताया, क्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7, ठीक हो गया, ये हो गया 5 प्लस 7, 5 से 35, और ये हो गया 40, टोटल कितना हो गया 40। तो ये भी क्या हो रहा है, द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू 9 टू 56,
9 से 56 के बीच में आ रहा है, यानी कि हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 8, 8 × 24 = 42 × 5 = 40, कितना आ गया 5, यानी कि कितने ऑर्बिटल बॉडी में पार्टिसिपेट कर रहा है, 5 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, 5 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, एक एस के 3 पीके और एक डी के, एक एस का 3 पीके sp3 और ये हो गया डी का, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3d। तो इस आधार पर आप निकाल सकते हो कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ये आपकी एक ट्रिक है किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की, ठीक है। इसके बाद कोशिश करिएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, sp3d हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक। इसके बाद हमारे पास दूसरी ट्रिक है किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की, वो क्या है देखिए, ट्रिक नंबर सेकंड, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो है ट्रिक नंबर सेकंड, ये आपकी ठीक, ट्रिक नंबर सेकंड क्या होती है, कहती है कि देखिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन दूसरी ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रिक टफ लग रही है तो आप सेकंड ट्रिक क्या है आपके, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 V + m - c + a, ठीक है। अब v का मतलब क्या है, v का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंटर मेटल में, यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किसके आएंगे, सेंटर मेटल के, किसके होते हैं आपके, सेंटर मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेंटर मेटल के, ठीक। एम का मतलब होता है मोनोवैलेंसी, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मोनोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, मोनोवैलेंसी का मतलब जिसके बाहर की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, और केमिस्ट्री में मोनोवैलेंसी किसकी होती है, केवल हाइड्रोजन की और साथ में हैलोजन की, हैलोजन क्योंकि इन्हीं की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, जैसे हाइड्रोजन उसके उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हो एच प्लस, वो कभी भी H2+ कभी नहीं लिखा जाता। हैलोजन बाहर को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, सभी आपने अभी देखा 7 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो अपना अपोज क्या करेगा, पूरा करेगा, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन होंगे या तो इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। सी का मतलब हो गया कैटायन, कैटायन का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव भी चार्ज, और ए का मतलब हो गया एनायन, एनायन का मतलब हो गया नेगेटिव भी चार्ज, ठीक। अब कहने का मतलब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे और कैसे बता पाएंगे कि किसी मॉलिक्यूल में किस टाइप का हाइड्रोजन है, तो एक काम करते हैं, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको इस चीज को समझाने के लिए। मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल किसका, CH4 का, किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, CH4 का। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, एक काम करता है हाइड्रोजन को मैं लिख दे रही हूँ H1/2 V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंटर मेटल, आपको मैंने बोला, अब इसमें बोला सेंटर मेटल, सेंटर पे क्या है, सेंटर पे CH4 का मतलब होगा C सेंटर पे होगा, चारों हाइड्रोजन क्या होंगे, कोने पर होंगे, तो सेंटर कार्बन, कार्बन के वायकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो गया 6, 6 का मतलब हो गया 2, 4, वायकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 4। आप कोई भी ट्रिक फॉलो कर लीजिए दोनों में से, दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। प्लस एम का मतलब हो गया मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंसी का मतलब हाइड्रोजन और या हैलोजन, ठीक है, मोनोवैलेंसी का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन की संख्या, इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने, इस वाले के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, तो केंद्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने लिख दी, कार्बन के वायकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी 4 थी, तो आपने कार्बन के वायकोस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब मोनोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंसी कितनी है, तो कार्बन के सराउंडिंग में कितना हाइड्रोजन है 4, तो ये हो गया आपका कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 4, 4 और 4 कितने होगा 8, 8/2 कितना हो गया आपका 4। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैटायन और एनायन को क्यों नहीं लिखा, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, देख लीजिए, और एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज, इस फॉर्मूले में माइनस चार्ज नहीं है, तो कैटायन एनायन खुद को 0 होगा, जब नहीं है तो उनकी संख्या खुद को 0 हो गई, कितना आया 4 आया। 4 का मतलब कितने ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4, 4 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 1s के 3 p के, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया आपका sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया आपका sp3, ठीक। इसको एक बार और समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये आपके लिए थोड़ा सा इसलिए टफ पड़ता है क्योंकि बच्चों को भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, कैटायन और एनायन की संख्या कैसी होती है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे जिसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। हम लेते हैं CH4 के बजाय हम ले लेते हैं एग्जाम्पल SF6 लेते हैं, चलिए SF6 लेते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। एस हाइब्रिडाइजेशन को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं आपको H=1/2, ठीक। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंटर मेटल, सेंटर मेटल सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16, 16 का मतलब हो गया कितना 2, 2, 8 और कितना होगा 6, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6 होगी, 6 प्लस
प्लस मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंसी है इसमें, हाँ है फ्लोरीन, ठीक है, तो मोनोवैलेंसी कितनी होगी आपकी, फ्लोरीन की संख्या कितनी होगी, 6, ठीक, कैटायन भी नहीं है इस फॉर्मूले में, कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो धनायन और ऋणायन की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सी प्लस माइनस 0 प्लस 0 आपका हो गया 6, 6 और 6 12 अपॉन 2 कितना हो गया 6, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया आपका 6, 6, 6 का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6, 6 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3, यहां तक हो गया sp3 और d2, sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2, ठीक, लेकिन मैंने आपको इसमें बोला कि 6 ये मोनोवैलेंसी कितनी है, 6 है, लेकिन हमेशा ऐसे ही नहीं रहता, कई बार ऐसा होता है कि जल्दी बार आप ध्यान नहीं देते और ऐसी कराते हो, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल और है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए CO2 लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं CO2, ये कंपल्सरी नहीं कि आप हमेशा मोनोवैलेंसी को लोगे, CO2 का लोगे तो कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होगी, एटम नंबर हो गया 6, तो बायकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 4, बायकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 प्लस मोनोवैलेंसी, m का मतलब होता है मोनोवैलेंसी, और इस फॉर्मूले में मोनोवैलेंसी ना तो ये ना तो यहां पर हाइड्रोजन है और ना ही हैलोजन है, देखिए मोनोवैलेंसी में ना तो हाइड्रोजन है इस फॉर्मूले में, ना ही हैलोजन है, तो हाइड्रोजन भी नहीं है, हैलोजन भी नहीं, तो आप उनकी संख्या कितने रख दोगे, 0 रख दोगे, आप नहीं रखोगे, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें इसकी संख्या कितनी रखी जाएगी, 0 रखी जाएगी, तो कोर से कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, आप एक काम करिए, इसका कितना आया, 2, ठीक है, कितना आया, 2, यानी कि कितने ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल का मतलब है एक एस का एक पी का, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, ये 3 एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करे जो आपको बता रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूले में, ठीक है, और हैलोजन्स भी हो और हाइड्रोजन्स भी हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे, जैसे कि हमने रखा कोई वैसा एग्जांपल, जैसे रखा हमने XeOF2, इसको भी हम हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं, XeOF2, तो ठीक है, तो फॉर्मूले को फॉलो करते, देखिए H=1/2 जी हाँ, अक्रिय गैस है तो ये तो नेचुरल बात है कि अक्रिय गैस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, प्लस प्लस मोनोवैलेंसी जितनी होगी, मोनोवैलेंसी वही रखेंगे आप, मोनोवैलेंसी होगी F2 का मतलब हो गया आपका मोनोवैलेंसी होगी 2, ऑक्सीजन मोनोवैलेंसी में काउंट नहीं होता है, ठीक है, फ्लोरीन काउंट होता है क्योंकि फ्लोरीन हैलोजन है, 8 और 2 हो गया 10, कैटायन है नहीं इस फॉर्मूले में, एनायन है नहीं इस फॉर्मूले में, 8 हो गया 10 और 10 का मतलब हो गया 5, 5 का मतलब हो गया 5 ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक है 1, 2, 3, 4, 5, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d, तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक कि आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को मोनोवैलेंसी के बेसिस पे किस तरह से हाइब्रिडाइज करके किस तरह से फाइंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कैटायन और एनायन वाले फॉर्मूले दिए गए हो, ये ऐसा नहीं है कि कैटायन और एनायन कभी नहीं दिए जाएंगे, एक धनायन और ऋणायन वाला दे दिया जाए तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ NH4+, ठीक है, धनायन और ऋणायन को लेके चलते हैं, तो तरीका वही रहेगा H=1/2 नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का एटमिक संख्या नंबर कितना होता है, 7, तो ये हो गया 2, 7 का मतलब हो गया 2 और ये हो गया 5, 5 वैकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5 प्लस मोनोवैलेंसी है कितनी, हाइड्रोजन है आपके 4, ठीक, अब इसमें यूज किया जाएगा प्लस चार्ज दे रखा है, ठीक है, तो कितना हो गया -1 + 0 = 0, क्यों, क्योंकि आपको अब मोनोवैलेंसी के साथ साथ धनायन और ऋणायन भी दे रखे हैं, यहां पर प्लस दिया था तो हमने कैटायन की जगह पर कितना रखते हैं, कितना चार्ज दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है, एक रखते हैं, माइनस वन ही रखा, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और आपने यहां पर क्या रख दिया, यहां पर क्या रख दिया, 1, ये हो गया 5 और 4 हो गया 9, इसमें से एक गया 8 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया आपका 4, तो इसका मतलब इसमें 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3, तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं,
कोशिश करिए करने की, जो भी क्लेरिफिकेशन होगा वो तभी हो पाएगा जब आप उसको क्लियर कर खुद करेंगे, ठीक है। तो ये आपके दो मेथड थे जिसके बेसिस से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें ट्रिक नंबर वन थी जो हम फाइंड करते थे ग्रुप नंबर के बेसिस पर, और ट्रिक नंबर टू थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड विद मोनोवैलेंसी। दोनों फॉर्मूले का जिस फॉर्मूले से आप करना चाहें उस फॉर्मूले से यूज करिए और हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।